नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। महाराष्ट्र का चुनावी दंगल एक तो वैसे ही दोनों गठबंधनों के लिए आग का दरिया बना हुआ है, तो वहीं अब महाराष्ट्र चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक उठा पठक जारी है। गठबंधन में अभी तक तय नहीं हो पाया है कि सीटों का बंटवारा किस प्रकार करना है। वहीं इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने चुनाव से संबंधित अहम रणनीति पर चर्चा की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसे लेकर चुनाव प्रचार से लेकर गठबंधन खेमे में शामिल सहयोगी दलों को मजबूत किया जा रहा है। इस बीच सोमवार को नामांकन वापसी की अंतिम तारीख थी। इसी के साथ महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर कुल 8272 कैंडिडेट्स की तस्वीर साफ हो चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव मैदान में अपने 9 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी ने पार्टी के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बाकी 7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी है। अगर कांग्रेस से बात बन गई तो फिर पार्टी अपने बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवार वापस लेने पर विचार कर सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता रहे फहाद अहमद अब अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से एनसीपी शरद पवार गुट से चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल अब ये भी है कि समाजवादी पार्टी करे तो क्या करे। बता दें, पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 18 और 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र का दौरा किया था। 2 दिनों के दौरे में उन्होंने मालेगांव और धुले में जाकर चुनाव प्रचार किया था। उसी दौरान अखिलेश यादव ने 4 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। इनमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी पिछली बार चुनाव जीत चुकी है। वहीं सपा ने जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उनमें अबू आसिम आजमी, मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट, रईस शेख भिवंडी पूर्व विधानसभा सीट, निहाल अहमद मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट, इरशाद जागीरदार धुले सीट विधानसभा सीट, रियाज आजमी भिवंडी पश्चिम विधानसभा सीट, देवानंद साहेब राव रोचकरी तुलजापुर विधानसभा सीट, विश्वनाथ भोसले परांडा विधानसभा सीट, अब्दुल गफ्फार कादरी सैयद औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट, सैयद खान भाईखला विधानसभा सीट को टिकट दिया है। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव सीटों के बंटवारे पर अरशद पवार समेत कांग्रेस नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी को 2 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं है। फॉर्मूला यही बना है कि जिन 2 सीटों पर पार्टी के विधायक हैं, वहां चुनाव लड़े। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में कहा था कि वे 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हालात और वक्त तो बस यही इशारा कर रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी तो अब आगे शायद एक भी सीट ना दे। ऐसे में अखिलेश यादव क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।